क्योंकि रवैया बीजेपी का सब लोग समझ चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मरता क्या ना करता, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से बौखला गए हैं अपनी हार को सुनिश्चित देखकर, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव का आखिरी दिन है। महागठबंधन के तमाम नेताओं का जुटान जो है गोपालगंज और मोकामा में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही जीत दिलाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है, 40-40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार चुके, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी किन चीज को लेकर के जो है वो जनता को गुमराह करने वाली है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान को लेकर तो पहले ही यह फैसला तय हो गया था कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, यह कोई नई बात नहीं है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। माहौल बहुत ही अच्छा है, फाइनल टच देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जबरदस्त रूप से गुलबंदी मतदाताओं की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है और भारी बहुमत से महागठबंधन का उम्मीदवार दोनों जगह जीतेगा। अब चिराग पासवान भी सामने खड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल खिलेगा दोनों जगह। देखिए, कोई शामिल हो जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रवैया बीजेपी का सब लोग समझ चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस दावा कर रहे हैं सामने, बीजेपी ने 40-40 नेताओं को उतार रखा है कैंपेनिंग के लिए। हाँ, तो मरता क्या ना करता, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एयरपोर्ट के बाहर है, आ गए। अरे भाई यार, नीतीश जी को चोट लग गई है, कोई आज पहली बार तो बोल नहीं रहे, 10-15 दिन पहले की घटना है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से बौखला गए हैं अपनी हार को सुनिश्चित देखकर, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। महागठबंधन के तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, साथ ही साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ विधायकों का, कार्यकर्ताओं का जुटान जो है मोकामा और गोपालगंज में देखने को मिलेगा। क्योंकि अंतिम दिन महागठबंधन के तमाम नेता जो है जी जान लगाए हुए हैं। सब लोग से जब मीडियाकर्मी बातचीत की अधिकांश नेताओं से, तो उन्होंने कहा साफ साफ कि महागठबंधन के प्रत्याशी दोनों सीट पर उपचुनाव जो है वो जीत रहा है। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी को जो है इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जनता ने मूड बना चुका है कि राजद के प्रत्याशी को ही जिताना है। और साथ ही साथ महागठबंधन में जो नई सरकार बनी है उससे लोगों को उम्मीद जगा है। देखने वाली बात होगी कि जो 6 नवंबर को परिणाम आने हैं ये किसके पक्ष में होता है और कौन विधायक वहां से होते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले राजद के तमाम नेता के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं का भी आज जुटान गोपालगंज और मोकामा में देखा जाएगा। यानी कि अंतिम क्षण भी महागठबंधन के नेताओं ने कसर छोड़ने में नहीं चूक रहा है। तमाम नेता जो है मैदान में उतर चुके हैं। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।